You know, Ashif? Hare oh, Babuji. Thumbs up and subscribe and turn on the post notification so every time my mamu posts, you can get a notification. Do that right now in 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone, this is Sayyid Muhammad and I'm making a video barbecue for you because today is holiday. Watch full video. Thank you very much. ये देखिए चिकन की लेग पीस हमने वॉश कर ली अच्छे से। वॉश करने के बाद में हम इसमें मसाला लगाएंगे जो हमें फ्रिज में रखना है। और ये देखिए मसाला हमने तैयार कर लिया, इसमें योगर्ट है, रेड चिल्ली है और चीज़ है, क्रीम है, वाइट क्रीम है और सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, बहुत सारी चीज़ में हम लोग मिक्स करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस वी आर डूइंग बारबेक्यू एंड दिस इज द रेड चिकन एंड दिस इज माय मोमो ड्रॉपिंग द स्पून इनसाइड। थैंक यू। और ये देखिए ये है ग्रीन चिकन, फुल चिकन हमने मसाला लगा के 1 दिन पहले रख लिया था। ये फॉइल पेपर में इसको पैक करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था इसको पैकिंग जो करना बहुत अच्छे से करना है। पैक करके हम इसको 45 मिनट उसमें रखेंगे, कोयला के ऊपर रखेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए इसको पैक ऐसे करना है कि इसमें ज़रा से भी वो ना हो गैप, क्योंकि ये हवा ना बन जाए इसके अंदर। दिस इज वाइट चिकन, चीज। माय मॉम हैज एडेड योगर्ट, चीज, जिंजर, मैगी क्यूब। ये देखिए चाप है, ये मसाला लगा हुआ है, अरबी चाप है। ये देखिए जैतून का तेल क्या है, ऑलिव ऑयल। ये देखिए ऑलिव ऑयल है, अभी जो है इसमें हम लोग लगा के करते हैं। और ये कोयला पे रखा जाएगा, ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले, इसको 45 मिनट इसको रखा जाएगा। और ये जो है बारबेक्यू पे जो है सेट कर दिया है और इस पे रखा जाएगा। इसमें भी कबाब है, देखिए अभी पूरी वीडियो लास्ट तक। ये कोयला जलाने की तैयारी हो रही है, कोयला जल चुका है, इसको पहले अच्छे से जला देंगे कि आग इसकी एकदम हो जाए, एकदम कोयला पकड़ ले। उसके बाद में हम 45 मिनट या 40 मिनट उसको रखेंगे, ग्रीन चिकन और रेड चिकन जो आपको दिखाया था। यह है 40 मिनट के लिए और 40 मिनट तक ये ऐसे रहेगा, बेहतरीन एकदम पक जाएगा। ये देखिए बारबेक्यू के लिए हम लोगों ने वहाँ कोयला भी जलाया था और ये लेग पीस के लिए, कबाब के लिए। ये एकदम रेडी हो गया है, टेम्परेचर भी हम लोगों ने सेट कर दिया है, टेम्परेचर भी सेट कर लिया हम लोग ने। ग्रिल करने वाले तो थम्स अप करिएगा, थम्स अप कर लिएगा। सो प्लीज पुट अ थम्स अप गाइस, पुट द नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब, लाइक and share. And we have thumbs up and subscribe and turn on the post notification so every time my mamu posts you can get a notification. Do that right now in 5, 4, 3, 2, 1. Chicken and this is me mixing it with the tongs. अब लगाते जाओ। देखो मोहम्मद कैसा मालूम है, देखो ये जो जो खड्डा है ना इस पे ऐसे रखो, यानी हाँ बिल्कुल। अब उतर
देखिए चाप हमारा रेडी हो चुका है। ये हमने सीख कबाब, लबनानी सीख कबाब है, ये हमने इस पर भी रखा है बारबेक्यू पे और कोयले पे भी हम इसको बनाएंगे। अब देखते रहिए, ये देखिए लबनानी कबाब पे हम थोड़ा ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं, फिर इसको कोयले पे हम सीखेंगे। ये लबनानी सीख कबाब है और ये देखिए हम इसको बना रहे हैं। अब इसको पलटते रहना पड़ेगा। ये देखिए ग्रीन चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको खोल के देख रहे हैं, ये देखिए क्या बेहतरीन और क्या लाजवाब रेडी हो चुका है। जूसी एकदम बिल्कुल रेडी है फुल ग्रीन चिकन। अब इसको हम खाने की तैयारी करते हैं और वीडियो आपने पूरी देखी है। अभी मैं आपको रेड चिकन भी दिखाता हूँ, जो रेड चिकन फुल हम लोग ने वो भी बनाई है। ये ग्रीन चिकन है, इसका अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही मज़ा है। हमने आपको बनाने का तरीका ही बताया। एक दिन पहले आप मसाला लगा के रखिए, फिर कोयले पे 45 मिनट रखिए फॉइल में। ये रेड चिकन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे ओ बाबूजी, प्लीज लाइक वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।